आरक्षण खत्म हो जाएगा, जाति अपने आप खत्म होगी मैडम। निष्पक्ष जांच कीजिए, निष्पक्ष मीडिया कर्मी बनिए, निष्पक्ष ही है भीम आर्मी। टॉप 100 को भी बनना चाहिए, लेकिन आपके अंदर है ऐसी बनना चाहिए नहीं वहाँ पर बनना चाहिए या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल है। जिसके कम नंबर आए उसे बनना चाहिए? कम नंबर वाला बन जा रहा है क्या है? मैडम एसटी जो एसटी एक मिनट जो एसटी समुदाय से आते हैं वो 576 रैंक लाकर भी आईएएस बन सकते हैं, ऐसा क्यों? ये कहाँ से आंकड़े लाते हैं आप? कहाँ से आप देखिए नेट खोल के कहाँ से लाते हैं? आप देखिए कौन सा नेट है मैडम? आप देखिए कौन सा नेट है? आप देखिए एयरटेल चलाते हैं? कौन सा नेट? एयरटेल। ऐसे आंकड़े तो आप देखते नहीं है। आप फिर आ रहे कूद रहे फिर भी मैडम मुझे आपसे सवाल नहीं लेना है, आपसे सवाल नहीं लेना है। अब फिर कूद रहे बीच में, अब फिर कूद रहे बीच में, जवाब आपसे सवाल किया बोल रहे होते आप बीच में मुझसे सवाल कर नहीं पा रही इसलिए अब आप जवाब नहीं दे पा रहे मैडम। मैं सवाल अच्छे नौटंकी करने आ रहा है, नीचे बैठ जा रहे हैं मेरे ऊपर जाति का वो चल जा रहा है। मैडम जाति के लिए तो आप सवाल कर रहे हो ना, आप आंकड़े की बात कर रहे हो। मैंने अपना खुद बताया आंकड़ा, आप बताओ। मैं 62 लाख के काबिलियत नहीं थी मेरे अंदर, और जो 46 नंबर आया उसमें काबिलियत थी उसको पास हो गया, उसकी नौकरी हो गई। आपने पूछा नहीं कैसे निकल गया? पूछे हम उसी के लिए तो आज यहाँ आए। सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं था सबसे बड़ा दर्द नहीं हमसे जाके वहाँ हटा दीजिए ना। हमें स्कूल में एक ही टीचर पढ़ाते हैं, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, क्यों नहीं जाते? भाई भाई जाति जानी चाहिए, जानी जाति कभी नहीं जानी चाहिए। वही बात आती है, वही बात आप सब लोगों से, जाति कभी जाति नहीं है। मीडिया वालों से सभी से जाति जब भी जाएगी आरक्षण जाएगा, उससे पहले क्यों नहीं जा रहा है? आप लोग क्यों नहीं पहल कर रहे हैं? मैडम आप लोग पहल कर रहे हैं, हम तो पहल कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण मिटा के पहल कर रहे हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी आरक्षण मिटा के पहल कर रहे हैं, जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं हमारे पास जाति सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। आरक्षण को खत्म करके पहल करेंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जाति अपने आप खत्म होगी मैडम। मैडम बताओ आप मुख्य धारा में जोड़ के नहीं रहे उन लोगों को? आर्थिक आधार पे जोड़े ना, आर्थिक आधार पे जोड़े ना वंचित होते भाई, शोषित वंचित है तभी तो आर्थिक आधार पे जोड़ो ना मैडम। मैडम निष्पक्ष जांच कीजिए, निष्पक्ष मीडिया कर्मी बनिए, निष्पक्ष ही है भीम आर्मी। ये आपके जो दिमाग में दिमाग हुआ है, सुनो दिमाग में है आप सवाल कर लिए हो, ठीक है सही है ठीक। क्या चीज सवाल कर लिए तो भीम आर्मी की हो गई? सवाल वही कर रही है, वही पेट सवाल क्यों पूछूंगी? नहीं क्या पूछूंगी, नहीं विरोध कर, जाए सवाल पूछो ना, जायज पूछ रही हूँ जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या जवाब क्या चीज? मैं जब पूछ रही हूँ तो आप दे नहीं पा रहे। आप ये तो समर्थन में, मैं किस लिए समर्थन में होंगी? पत्रकार किस लिए एक समर्थन में होगा और असमर्थन में होगा? मैं विरोध में हूँ, सवाल ले रही हूँ तो आप सवाल ले रही हो, हम तो विरोध में है डायरेक्ट। चलिए ये इनका जवाब आपने सुना कि कितनी लंबी डिबेट हुई है लगातार, जिस तरीके से ये विरोध कर रहे हैं कि भाई जातिगत जो आरक्षण है वो खत्म होना चाहिए, लगातार जिस तरीके से आरक्षण के आरक्षण को लेकर जो तमाम लोग अच्छी अच्छी जगह पे अपना फिजिकल में जो फेल हो रहे होते हैं वो आरक्षण से आगे बैठ जाते हैं, आरक्षण से जो है उनको सीटें और पदें मिल जाती हैं, लेकिन इनका दर्द देखिए कि लगातार आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। सोचिए बरसों से इन्होंने शोषण किया, जाति के आधार पर लगातार इन्होंने जो है शोषित और पीड़ित लोगों को और उनके ऊपर प्रताड़ना करते रहे, तो वो इनको अब हजम नहीं हो रहा है कि अब जो है दलित समाज भी आगे आ रहा है, SC ST समाज भी आगे पदों पर बढ़ रहा है। और दर्द सुनिए, सबसे ज्यादा दर्द है आरक्षण का, दर्द ये भी है कि इनके पास 15-15 बीघा जमीन है लेकिन फिर भी दर्द उठ रहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। EWS कोटा मोदी जी ला दे रहे हैं, ये कह रहे मोदी जी ला दे रहे हैं, हमें चाहिए ही नहीं। तो सोचिए 5% को 10% EWS कोटा दिया जा रहा है लेकिन इनको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मोदी जी इनको दे रहे हैं लेकिन ये उसका भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे भीख दी जा रही है। तो मोदी जी आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, इनको भीख नहीं चाहिए, ये आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और इनके अंदर अगर काबिलियत होगी तो शायद इन्हें नौकरियां भी मिल जाए, लेकिन लगातार ये EWS का भी विरोध कर रहे हैं। भाई इनको नहीं चाहिए, मोदी जी मेरी आपसे अपील है कि इनको EWS कोटा नहीं दीजिए, इनके ऊपर थोपो मत, भीख नहीं चाहिए इन्हें, आप जबरदस्ती इन्हें भीख दे दे रहे हैं। तो आप समझिए
कि आपका देश आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर।